सौम्या और सौम्या का हरमन, लगता है जल्द पूरी होगी फैंस की ये दुआ। हरमन ने ठान ली है अपने मन में ये बात कि 10 दिनों के अंदर वो सौम्या को याद दिलाकर रहेगा हर बात, जिसकी फुल कोशिश में जुट चुका है हरमन। देखो ना, तो मैं हरमन को जानती हूँ और ना ही सौम्या को जानती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता वो आपस में कैसे बात करते हैं। देखो, तुम हरमन और सौम्या दोनों को जानती हो, तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है गुलाबो, ठीक है गुलाबो। हरमन अपनी सौम्या को हर वो लम्हा याद दिलाना चाहता है जो बिताया था इन्होंने साथ साथ, और इसका मौका भी दे दिया है खुशी यानी सौम्या ने हरमन को। पिछले 1 महीने से शर्त लगाई गई है जॉली और खुशी के बीच में, जहां पर खुशी ने मौका दिया है जॉली को ये साबित करने का कि जॉली और खुशी हरमन और सौम्या है, और उसी के मद्देनज़र ये सब इनैक्टमेंट खेल या फिर शर्त को सही साबित करने के अलग अलग पहलू जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। क्या लगता है सौम्या, हमारा मतलब खुशी आपको, कि हरमन अपनी कोशिश में हो पाएंगे कामयाब या नहीं? 10 दिन जो शर्त के हैं उसमें से 4 दिन बीत चुके हैं, अब अगले 6 दिन में कितना हरमन कोशिश कर या फिर ये सारी चीज़ें री इनैक्टमेंट से कितना सक्सेसफुल हो पाता है, आई थिंक खुशी को तो नहीं लगता है, बट हरमन फिर भी ही इज़ नॉट गिविंग अप। घर की सफाई करते हुए सौम्या के दिमाग में क्लिक हो रही हैं कुछ बातें, क्या है ऐसा, क्या याद आ रही है आपको कोई बात? ये जितने भी चीज़ें हरमन कर रहा है खुशी को याद दिलाने के लिए, कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा बहुत फ्लैशेस आते हैं, वो सोचती है कि शायद मैं यहाँ थी, शायद मैंने ये किया, क्लैरिटी नहीं है, बट बिकॉज उसकी याददाश्त जा चुकी है तो मे बी शी हैज़ दीज ओल्ड मेमोरीज कमिंग बैक अगेन। वैसे खुशी, जिस तरह हरमन आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश में जुटे हैं, ऐसे में क्या महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बिकॉज वो बार बार एक ही चीज़ 10 अलग तरीके से बताता है और जताता है, सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ गेटिंग too much for Khushi to, you know, bear also. दरअसल हरमन ले आए हैं सौम्या को अपने पुराने घर में, जहाँ बिताए थे इन्होंने एक साथ कई यादगार पल। यही वजह है जहाँ घर छोड़ने के बाद रहने आए। ये देखो, हमने इस दीवार पर अपने परिवार को फिलहाल तो खुशी की याददाश्त में हरमन है पराया, इसलिए इनके बीच है ये शर्म की चादर, लेकिन देखना तो ये है कि बाकी बचे 6 दिन में क्या हरमन लौटा पाता है सौम्या की याददाश्त, या फिर सौम्या खुशी बन ही लौट जाती है हरमन की लाइफ से वापस।